यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम रद्द हो चुका था, जून महीना में जो एग्ज़ाम हुआ था वो रिजल्ट नहीं आया था उसका, और एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। उसी को लेके यहाँ पे फिर से इसका री एग्ज़ाम के लिए आपका नया नोटिस जारी कर दिया गया है। तो री एग्ज़ाम आपका कब होगा, यहाँ पर देखिए डेट यहाँ पर शेड्यूल दे दिया गया है कि आपका जो है 21/8 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और ये एग्ज़ाम आपका चलेगा 21/8 से लेके आपका 4/9 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये लास्ट में आपका सबसे लास्ट में योगा सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका देखिए ये जो नोटिस है, इस नोटिस को आप लोग चाहिएगा डाउनलोड करना। तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस नोटिस को हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या कहा गया इस नोटिस में, और कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए, अगर आप भी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप फॉर्म भर चुके हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं, फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे एग्ज़ाम होता है, किस टाइम पे होता है, कितना घंटे का होता है, सारा कुछ इसमें आपका लिखा हुआ है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए ये जो नोटिस है, आपका नोटिस का डेट देख लीजिए सबसे पहले, ये 2 अगस्त को नोटिस पब्लिश हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पर आपका मैंसन किया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम कब से होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 21 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होगा, 4 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, 4 सितंबर तक आपका पूरा एग्ज़ाम चलेगा, 21 तारीख से स्टार्ट है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, किस किस डेट को कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपका देखिए एग्ज़ाम भी है, 2 शिफ्ट में होगा, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकंड शिफ्ट। ये रहा फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट देखिए होगा आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है ये, और यहाँ पर आपका चलेगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 3 घंटा यहाँ भी सेकेंड शिफ्ट में। तो सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में कब कब एग्ज़ाम है वो भी देखिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका 21 तारीख से स्टार्ट है, तो 21 तारीख को ही आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले इंग्लिश का है, फिर जापानीज़ का है, इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। और देखिए इंग्लिश का सेकंड सीटिंग में भी एग्ज़ाम है, फर्स्ट सीटिंग में भी एग्ज़ाम है, दोनों सीटिंग में एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का। उसके बाद देखिए आगे भी बहुत सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि आपका 22 तारीख को होगा सोशल वर्क का, होम साइंस का, म्यूजिक का, फ्रेंच का, और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को हम एक एक करके आपको पढ़ के नहीं बता रहे, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं वीडियो को, और आप जो है इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को आपको दिखा देते हैं कैसे आप इसको डाउनलोड कीजिएगा ऑफिशियल साइट पे जाके। या फिर देखिए अगर आप ऑफिशियल साइट में इसको डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप जो है मेरा नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दे रहे हैं, जो भी नया अपडेट आता है सारा अपडेट हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, तो आप लोग उसको अब ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट दिन आपको दिखाएं कि योगा का एग्ज़ाम है, योगा सब्जेक्ट का जो कि है, और उसी दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का भी एग्ज़ाम होने वाला, और पॉलिटिकल साइंस का भी फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में है, और एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट, कुछ कुछ सब्जेक्ट जो भी ज़्यादा स्टूडेंट उसमें रहते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, ये सब में। तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम का देखिए डेट दिया हुआ, हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका होगा 29 तारीख को, यहाँ पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा 29 तारीख को। तो इसी तरह से आप अपना देख लीजिएगा किस डेट को आपका एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में है ना सेकेंड शिफ्ट में, वो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब आपको पता चलेगा। तो एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम होने का, जो 21 तारीख से एग्ज़ाम है उसके 2-4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। अब देखिए इसका ऑफिशियल साइट पे आपको कैसे इसको डाउनलोड करना वो भी दिखा देते हैं। चलिए आप अपना फ़ोन का ही गूगल क्रोम पे चाहिएगा, गूगल क्रोम पे जाके आप वहाँ पे लिखिएगा इस तरह से NTA.ac.in, जैसे लिखिएगा सर्च कीजिएगा तो ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक नोटिस सेक्शन मिलेगा, लेटेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पे आपको वो नोटिस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल UGC नेट जून 2024, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस पर जैसे न्यू पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर रीड मोर या फिर रीड मोर पे आप क्लिक कीजिएगा
तो उस तरह जैसे अभी आपको नोटिस दिखाएं वो नोटिस आपका खुल के आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी नोटिस होते हैं इसी पे आपका पब्लिश होता है। और इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एचिप में आप क्लिक कीजिएगा, तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा आपका जितना भी नोटिस है यहाँ पे सारा आपका खुल के आ जाएगा डिटेल से। और यहाँ पे आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या कौन सा नोटिस है। तो देखिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर पे जो नोटिस है उसी को आपको डाउनलोड करना है, तीसरा नंबर वाला नोटिस को, वो भी आपको याद रखना है। तो तीसरा नंबर नोटिस में ही आपका वो लिखा हुआ है कि आपका री एग्ज़ाम को लेके, तो इस तरह से आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आप इसको मिल जाएगा आपको PDF के फॉर्म में। तो आई होप कि आपको ये डिटेल अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस तरह का और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।